नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सरी डालते हैं आज की खबरों पर। लोहता थाने पर क्षेत्र अधिकारी सदर डॉक्टर चारू द्विवेदी ने क्षेत्र के चुरामनपुर गांव के रहने वाले धर्मराज उर्फ गोलू पटेल 30 वर्ष की अत्यधिक शराब पीने से हुई मौत का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि धर्मराज चुरामनपुर गांव के ही कल्लू के अंतिम संस्कार के 28 जून को हरिचंद घाट गया था, जहां अत्यधिक शराब पीने से धर्मराज की मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि मृतक का मित्र अजीत विश्वकर्मा जबरन ज्यादा शराब पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी ममता पटेल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपियों की तलाश कर रही थी कि लोहता थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह व सब इंस्पेक्टर अभिषेक राय शुक्रवार को सुबह मुखबिर की सूचना पर दर्ज मुकदमे के एक आरोपी अजीत विश्वकर्मा को कालिका होटल चुरमानपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ में आरोपी अजीत ने बताया कि धर्मराज के जेब में 10,000 रुपया था। संदीप प्रकाश और मैं तीनों मिलकर उसके पैसों को हड़पने के लिए अत्यधिक शराब पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब हम लोग उसे घर लेकर पहुंचे तो उसकी मौत हो गई थी। लोहता पुलिस ने आरोपी के पास से दो सवारी टेम्पो व 2,020 रुपये नकद बरामद किया। अन्य दो आरोपियों प्रदीप और प्रकाश की पुलिस तलाश कर रही है। ये दिनांक 28/6/2021 को ग्राम चुरामनपुर थाना लोहता से एक टेम्पो में डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसकी पहचान धर्मराज वर्मा उर्फ गोलू उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई थी। और इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। बाद में मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और आज दिनांक 2 जुलाई को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अजीत विश्वकर्मा को कृषि भवन चुरावनपुर थाना लोहता के पास से गिरफ्तार किया गया। और दो अभियुक्त अभी शेष हैं जो फरार हैं, प्रदीप पटेल और प्रकाश, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो मृतक था धर्मराज वर्मा उर्फ गोलू, इसने ज़मीन बेची थी, इसके पास पैसे थे और इसके गांव के ये 2-3 लोग थे जो इसको अक्सर ले जाकर शराब पिलाकर नशे में इसका पैसा निकाल लिया करते थे। इस बार भी उन्होंने इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया और लेकिन इस बार नशे की ओवरडोज होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये लोग पहले भी इसी प्रकार से इसको शराब पिला करके इसके जेब से पैसे निकाल लिया करते थे, लेकिन इस बार नशा ज़्यादा हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, दो शेष हैं।